दिल्ली के हॉलीडे इन होटल में आज मिसेज इंडिया 2020 के ऑडिशन चल रहे हैं। दिल्ली का जो ऑडिशन है, यहाँ पर कई कंटेस्टेंट आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियों के साथ उतरे हैं। और बेसिकली अगर बात की जाए तो ये मिसेज इंडिया कॉम्पिटिशन है, मतलब शादीशुदा महिलाएँ इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियों के साथ। सबसे पहले आपका नाम? कुमारी चंदना। अच्छा, तो किस तरह की तैयारियों के साथ आप इस ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं? तैयारियों के साथ ही आई हूँ, सिंगिंग और कैटवॉक बस। अच्छा, कुछ कब से, कितने दिनों से इस ऑडिशन के लिए आप तैयारी कर रहे थे? एक हफ्ते से। अगले कंटेस्टेंट से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? दीपा शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली की हूँ। अच्छा, मॉडलिंग इस फील्ड से कब, कितने साल से जुड़े हैं, कब से जुड़े हुए हैं आप? नहीं, अभी तो मैंने 1 मंथ पहले ही ये सब स्टार्ट किया है। अच्छा। मैं हमेशा एक स्टूडियस स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, बट मैं कभी कर नहीं पाई बिकॉज मेरी फैमिली हमेशा, मतलब स्टडीज़ के लिए, बट अब मैं करना चाहती हूँ ये, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ तैयारियों के साथ। पापा की फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब पति की फैमिली सपोर्ट कर रही है। हाँ, पूरी सपोर्ट है जी। पापा भी कर देते, पापा ये चाहते थे कि पहले मैं अपना करियर बना लूँ, पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद मैं करूँ। बात करते हैं, आपकी पत्नी आज ऑडिशन देने जा रही हैं दिल्ली के ऑडिशन से मिसेज इंडिया का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छी बात है, ये प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहे हैं। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा एयर वालों को जो ये ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं इवेंट। तो मिसेज इंडिया के लिए खासकर जो है, काफ़ी कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इतना उभर के सामने आ रहे हैं और जो महिलाओं को मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का। तो मैं समझता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए शायद कुछ आगे अच्छा हो पाए महिलाओं के लिए खासकर, तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस चीज़ से। बाकी अगले कंटेस्टेंट से बात करते हैं कि आप, क्या नाम है आपका? चंदना। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार की रहने वाली हूँ, यहाँ नोएडा से आई हूँ। मॉडलिंग की लाइन में आप कब से जुड़े हुए हैं और कहाँ से आइडिया आया कि हाँ भाई चलो ऑडिशन दिया जाए? मॉडलिंग की लाइन में अभी तो फिलहाल मेरा फर्स्ट ही ये है ऑडिशन, तो अभी मुझे पता चला तो मैंने इसमें करने को कुछ सोचा है। तो क्या करने जा रहे हैं आज? आज तो ऑडिशन में जैसे रैंप वॉक है, सिंगिंग है। इनके पति भी हमारे साथ मौजूद है जिनके सपोर्ट के बिना ये यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। उनसे बात करते हैं कि आपकी पत्नी आज ऑडिशन देने जा रही है, फर्स्ट टाइम स्टार्टअप है उनका, यहाँ इस लाइन में स्टार्ट किया है, तो कैसा फील हो रहा है आपका सपोर्ट के बिना यहाँ नहीं आ सकती? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बिना महिला के सपोर्ट के पुरुष आगे नहीं जा सकता और बिना पुरुष के सपोर्ट के महिला आगे नहीं बढ़ सकती। और इसमें एक कवि ने कहा है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, वह नाविक क्या नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो हम लोग धारा को प्रतिकूल ना करते हुए उसको सकूल कर रहे हैं, जिससे कि ये आगे बढ़ें और बढ़ते हुए इस देश का नाम रोशन करें, पहले मिसेज इंडिया बने, बाद में फिर वर्ल्ड मिस वर्ल्ड भी बन सकती हैं। तो किस तरह की आपके जो इन्होंने तैयारी की है इस ऑडिशन के लिए, किस तरह आपने, आपका कितना साथ रहा इस ऑडिशन की तैयारियों? पिछले कई सालों से मैं इनको प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि आप किसी भी क्षेत्र में अपनी कला के, अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएं। बस इन्होंने ये किया कि नहीं, मैं मिसेज इंडिया ही बनना चाहती हूँ। तो मैं बोला कोई बात नहीं, आप इस प्रतिभा में अपनी प्रतिभा दिखाएं और इस प्रतियोगिता में अपने आप को संपूर्ण तरीके से समर्पित करें, जिससे कि आप आगे बढ़ सकती हैं। यही मेरा योगदान इनके प्रति है।